गाइस, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्लान है मार्केट जाने का, सब्जी मार्केट। तो आपको पारादीप का सब्जी मार्केट दिखाते हैं। और गाइस, अभी रास्ते में हमको एक गार्डन दिखा है, तो पहले हम गार्डन एक बार टूर कर लेते हैं कैसा है, क्योंकि हमारे घर के पास ही है। तो चलिए गाइस, स्टार्टिंग में हमको ये हिबिस्कस दिख गया है पिंक कलर का, देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे भी कोकोनट्स के पेड़ बहुत हैं। एक्चुअली हम जहाँ पहले असम में थे वहाँ पे भी बहुत कोकोनट थे, और हमें उड़ीसा में भी बहुत कोकोनट देखने को मिलते हैं। इस गार्डन से ब्रिज भी जाती है, ब्रिज क्रॉस करके फिर एक और गार्डन आता है, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और अभी इवनिंग है तो काफी अच्छा रहेगा, तो हम आपको लेके चलते हैं। गाइस, तो ये गार्डन के बीच में ही देखो लोटस भी है, और यहाँ पे काफी कौवे हैं, तो शायद कुछ मछलियां भी हो सकती है। नहीं, इन लोग गर्मी में नहा रहे हैं। प्यारा लग रहा है, यहाँ पे हवाएं बहुत चल रही है। गाइस, जो ये पॉन्ड देख रहे हैं आप, जिसपे लोटस है, शायद आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, ये हार्ट शेप में है। अब नेक्स्ट आपको हम ब्रिज में लेके चलते हैं, जो हमारे राइट साइड में, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे इवनिंग टाइम हो गया तो काफी लोग वॉक पे भी आए, आपको दिख रहा होगा। तो बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो ये ब्रिज पे आपको शायद वीडियो समझ आएगा, ये ब्रिज भी झूले के तरह ऐसे झूलते हैं, तो आपको मजा भी आती है। पारादीप में तो ये जगह अच्छी है प्री वेडिंग शूट के लिए। एंड गाइस, मोस्ट अवेटेड टाइम, ये देखिए इवनिंग का व्यू कितना प्यारा है यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड्स भी आ गए हैं, और आपको बर्ड्स भी दिख रही होगी उड़ते हुए। पूरा सीनरी वाला सीन है गाइस यहाँ पे, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था हमारा। जब बाहर से आए थे जैसे आपने अभी देखा, अब हम इस तरफ भी एक गार्डन है, तो हम आपको वाला गार्डन भी दिखाते हैं। ब्रिज के अब दोनों साइड पे गार्डन है। आपको पारादीप में बहुत अच्छे से मेंटेन हुए गार्डन्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने एकदम हर जगह, ये तो मार्केट की रूट पे ही एक गार्डन मिल गया, ऐसे हमारे घर के आसपास तीन गार्डन्स हैं। तो मैं आपको लगातार आपको गार्डन के भी टूर दूंगी, और अभी हम मार्केट चलते हैं। आप यहाँ पे साइड का थोड़ा व्यू देख लीजिए इस गार्डन का भी, फिर हमको पारादीप का मार्केट भी दिखाएंगे। मार्केट पहुंच चुके हैं, और आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पार्किंग का भी एरिया दिया हुआ है,
क्योंकि इस ब्रिज में अभी ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि आने जाने में थोड़ी दिक्कतें होती है। तो गाइज अभी ये आप देख रहे होंगे पहले खुला हुआ था, अभी यह बैरिकेडिंग हो चुकी है क्योंकि लोग टू व्हीलर से ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ब्रिज से मैक्सिमम अपन दो लोग ही पार हो सकते हैं और वहीं पर बाइक आ जाती है तो थोड़ा सा जाम जैसा हो जाता है। तो चलते हैं गाइस। तो अभी अभी हमको अंकित ने ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ऑफिस भी इधर ही आस पास में ही है तो हमें वो दिख गए। थोड़ा बाल ठीक कर लो। हाँ आलू प्याज लेंगे और क्या लेंगे, केला अंगूर काले वाले और तरबूज भी ले लेंगे। गाइज अब आपको दी गाइड करेगी क्या क्या लेना है। आपको अंकित और दी गार्डन का कराएंगे सैर। देखिए गाइज यहाँ से चालू हो जाता है। गाइस सब्जी मार्केट के अपोजिट साइड में भी मार्केट है तो उस मार्केट में आपको ग्रॉसरीज वगैरह मिल जाएगी, प्लास्टिक के सामान वगैरह मिल जाएंगे और उसी रूट से आगे में जैसे आपको यूटेंसिल्स लेनी हो, ग्रॉसरीज लेनी हो या फिर कुछ कपड़े लेने हो, टेलर चाहिए, एवरीथिंग वो आपको उस रूट में मिल जाएगा। एक्चुअली इस मार्केट में जाने के लिए इस रास्ते से भी हम होके जा सकते हैं। ऐसे तो इस मार्केट में जाने के लिए तीन चार रास्ते हैं बट आप एक जगह से भी स्टार्ट करेंगे तो पूरे मार्केट के एरिया कवर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पकौड़ों की शॉप है, जलेबियाँ भी है। यहाँ पे फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं। यहाँ पे हमने प्याज और आलू लिए हैं। और गाइस आप जैसे जानते हैं डिजिटल इंडिया हो गया है तो इनके पास भी फोन पे जी पे सब है, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अदरक भी चाहिए, लहसुन भी। गाइस यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े नंदियाँ भी हैं, ये कुछ करते नहीं है हालांकि बट डर लगता है इनसे। यहाँ भाजियाँ भी बहुत फ्रेश फ्रेश मिलती हैं। एंड गाइज हम उड़ीसा स्टेट में हैं तो आप ये वेजिटेबल वेंडर्स के वॉइस से समझ भी सकते हैं कि इन लोग उड़िया में ही बात कर रहे हैं। सो गाइज ये छुप रही है पीछे। गाइज तब हमारी शॉपिंग हो चुकी है और दी के पास भी है और कुछ सामान अंकित लेके जा चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह। तो अब हम जा रहे हैं, सो बाय बाय। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस।